नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों की चैनल ऑफिस नोटबुक पे। दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग लीनियर सीरीज एंड ग्रोथ सीरीज के बारे में जानेंगे, किस तरीके से हम लोग कैल्क पे लीनियर सीरीज एंड ग्रोथ सीरीज बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम लोग लीनियर सीरीज देख लेते हैं। इसके लिए मैं एक सेल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं 1 एंटर करूंगा। अब मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा और कॉर्नर के पास कर्सर को लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे प्लस साइन आ गया है, तो यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एक सीरीज बना है। तो ये सीरीज किस तरीके से बना है, 1+1=2, 2+1=3, 3+1=4, 4+1=5। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर सीरीज बना है। तो ये एक लीनियर सीरीज है। आप चाहे तो यहाँ पर 3 ले सकते हैं। अब इस सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 3+1=4, 4+1=5, 5+1=6। तो इस तरीके से लीनियर सीरीज बना है। अब दोस्तों, इसका तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैं पहला नंबर लूंगा 1, नेक्स्ट जो नंबर आएगा यहाँ पर आएगा 4, सो 1+3=4, 4+3=7, ये आएगा नेक्स्ट नंबर। तो इस तरीके की लीनियर सीरीज बनाने के लिए देखिए मैं इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लूंगा और कॉर्नर के पास कर्सर को लेकर आऊंगा। प्लस साइन आ गया। अब मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पर जो सीरीज बना है ये भी लीनियर सीरीज है। इस सीरीज किस तरीके से बना है, 1+3=4, 4+3=7, 7+3=10। तो इस तरीके से देखिए ये सीरीज चलता रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लीनियर सीरीज बना सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं ग्रोथ सीरीज। तो इसके लिए फिर से मैं एक एग्जांपल लूंगा। तो यहाँ पर देखिए एक सेल को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर मैं 2 एंटर करूंगा, नेक्स्ट सेल पे मैं 4 एंटर करूंगा। अब मैं दोनों सेल को सिलेक्ट कर लूंगा और कर्सर को देखिए इस कॉर्नर के पास लेकर आऊंगा। प्लस साइन आ गया। अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सीरीज बना है देखिए, 2+2=4, 4+2=6, 6+2=8, 8+2=10। तो इस तरीके से सीरीज बना है। तो ये एक लीनियर सीरीज है। अब इसको मुझको ग्रोथ सीरीज पे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं सीट पे जाऊंगा, यहाँ पर मुझको फिल सेल का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर आप देख पाएंगे फिल सीरीज। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्शन देखिए डाउन, एज इट इज रहने दे। यहाँ पर सीरीज टाइप देखिए लीनियर, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल। तो यहाँ पर मैं ग्रोथ को सिलेक्ट कर लूंगा और ओके कर दूंगा। अब देखिए जो सीरीज बनाया किस तरीके से, 2+2=4, 4+2=8, 8+2=16, 16+2=32। इस तरीके से ग्रोथ सीरीज बना है। नेक्स्ट मैं एक सीरीज बनाना चाह रहा हूं, 2+3=6, 6+3=18, 18+3=54। इस तरीके से मैं एक सीरीज बनाना चाह रहा हूं। तो इसके लिए देखिए मैं यहां पर 2 लूंगा, नेक्स्ट सेल पे देखिए मैं यहां पर लूंगा 6, 2+3=6। अब मैं दोनों सेल को सिलेक्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो देखिए लीनियर सीरीज आया। अब मैं सीट पे चला जाऊंगा, अब मैं फिल सेल पे जाऊंगा, फिल सीरीज, यहां से मैं ग्रोथ सिलेक्ट कर लूंगा और ओके कर दूंगा। तो देखिए यहां पर 2+3=6 के जगह पे 2+4=8 आ गया, 8+4=32 आ गया, ये आ गया। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तो इसके लिए देखिए मैं इनको फिर से सिलेक्ट कर लूंगा और सीट पे चला जाऊंगा और यहां पर देखिए फिल सेल पे चला जाऊंगा, फिल सीरीज। यहां पर देखिए ग्रोथ को सिलेक्ट कर लूंगा और यहां पर जो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट देखिए 6 आ गया, 6 के जगह पे मैं क्या लूंगा 3 और ओके कर दूंगा। अब देखिए जो सीरीज बना है 2+3=6, 6+3=18, 18+3=54। तो जो सीरीज आप चाह रहे थे वो सीरीज आपके पास आ गया। और एक के ऊपर ट्राई करके देखते हैं, 3, नेक्स्ट मैं ले लेता हूं 9। अब दोनों को सिलेक्ट करूंगा, कॉर्नर के पास मैं कर्सर को लेकर जाऊंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, सीट, फिल सेल, फिल सीरीज, ग्रोथ, ओके। तो फ्रेंड्स देखिए फिर से वही प्रॉब्लम। तो इसके लिए मैं इस सीरीज को सिलेक्ट कर लूंगा और यहां पर देखिए मैं सीट पे चला जाऊंगा, फिल सेल, फिल सीरीज, ग्रोथ सिलेक्ट करूंगा और इंक्रीमेंट मैं ले लूंगा 3 और ओके कर दूंगा। तो आप देखिए 3+3=9, 9+3=27। तो इस तरीके से देखिए सीरीज आपके पास आ गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लिब्रेऑफिस कैल्क पे लीनियर सीरीज एंड ग्रोथ सीरीज बना सकते हैं। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया है किस तरीके से लीनियर सीरीज एंड ग्रोथ सीरीज बनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी हेल्प हो और मुझको भी हेल्प हो। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।